ये कलाकार बच्चे महाराष्ट्र के कोंकण जिले के हैं और ये रायगढ़ जिले की श्रीवर्धन तहसील के शेखाड़ी गांव में रहते हैं। ये प्लास्टिक की बाल्टी, ड्रम और लाठी का उपयोग करके शानदार गाने बजाते हैं। हमारी बेंजो पार्टी में पहली क्लास से लेकर आठवीं क्लास तक के बच्चे शामिल हैं। उन्होंने इस बैंड को समुद्र की लहरों से किनारे तक लाई गई कचरे और प्लास्टिक की चीजों से बनाया है। हमने उन संगीतकारों को देखा जो हमारे गांव में आए थे। हमने उन्हें डंडों से ढोल पीटते देखा और इसलिए हमने बेंजो पार्टी बनाने के बारे में सोचा। लॉकडाउन के दौरान हमने समंदर के किनारे पाए जाने वाले प्लास्टिक के कंटेनर जैसे सामान को इकट्ठा किया और उन्हें फिर ड्रम में बदल दिया। इन बच्चों ने लॉकडाउन के दौरान इस नए शौक पर काम किया। उन्होंने इन इंस्ट्रूमेंट्स को अपने दम पर बजाना सीखा। खेतों की पगडंडी को उन्होंने अपना मंच बनाया और वहां के ग्रामीणों ने भी उनका बहुत उत्साह बढ़ाया। इससे ग्रामीणों को कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि हम उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। हमें लगता है कि उन्हें भविष्य में सही प्रशिक्षण मिलना चाहिए। पास के दिवेगर शहर से आने वाले पर्यटक शेखाड़ी से गुजरते हुए रुक जाते हैं और उनमें से कुछ इनाम के तौर पर इन बच्चों को भेंट भी देते हैं। ये बहुत छोटे बच्चे हैं, वो स्कूल भी जाते हैं और पढ़ाई में भी अच्छे हैं, इसलिए हमें इनकी चिंता नहीं होती। ये बच्चे चंचल भी हैं और मेहनती भी, और शायद उनकी मेहनत ही उन्हें उनकी मंजिल तक लेकर जाएगी।